हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो नन्नू ज्यादा एक्साइटेड है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये बैग सिर्फ मेरा नहीं है, ये बैग नन्नू का भी है, इसलिए चाहती है कि वीडियो यही बनाए। लेकिन स्टार्ट मैं कर देती हूँ, फिर आप बोलना, है ना। तो आज की टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता ही है, सारे ही यूट्यूबर्स ये वीडियो बनाते हैं कि व्हाट्स इन माय बैग। तो मैंने सोचा कि ना मैं भी बनाऊं। तो मैं आज आपको सब चीजें दिखाऊंगी कि मैं जब बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैं क्या क्या कैरी करती हूँ, और छोटे बेबी के साथ मुझे क्या क्या सामान लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ, इसका मैं क्या क्या सामान लेके जाती हूँ और अपना मैं क्या क्या सामान लेके जाती हूँ। तो आज मैं आपको अपना बैग में सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ननू, आप थोड़ी देर साइड में बैठोगे और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हमारा बैग दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं ननू को साइड में बैठा के आती हूँ और फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा बैग। तो आजकल जो मैं बैग यूज करती हूँ बाहर आने जाने में, वो है ये काफी स्पेशियस है। तो इसमें मेरा काफी सारा सामान आ जाता है, मेरा और नन्नू का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या सामान कैरी करती हूँ अपने साथ। तो सबसे पहले इस बैग के अंदर ना एक और बैग है छोटा, जो कि मुझे इसी के साथ मिला था, वो है ये। तो ये बैग के साथ मुझे ये बैग मिला था, और इसमें मैं अपना जैसे कि मेकअप का, और दिखा देती हूँ आपको क्या क्या यूज करती हूँ मैं और क्या क्या मैं इसमें कैरी करती हूँ। बैग में मैं अपना मेकअप, अपना वॉलेट वगैरह यूज रखती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें मेरा आपको मिलेगा वॉलेट, जो कि है ये। और इसमें मेरे हैं, इसमें मेरे कार्ड्स वगैरह हैं और कुछ कैश है। तो ये मेरा वॉलेट है जो कि मैं यूज करती हूँ। और इसके अलावा आपको, तो ये मेरा वॉलेट है जो कि मैं यूज करती हूँ। और फिर मेकअप में मैं अपने साथ मॉइस्चराइजर जरूर लेके जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ, तो क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मैं विदाउट मॉइस्चराइजर नहीं रह सकती। तो ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, ये मैं यूज करती हूँ। और ये छोटा पैक है जो कि मैं आने जाने में ही यूज करती हूँ, और ये मेरे बैग में ही रहता है हर टाइम। इसके अलावा मेकअप में मैं ज्यादा चीजें कैरी नहीं करती, एक मैं ये मस्कारा अपना जरूर लेके जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मस्कारा अच्छा लगता है लगाना। एक मैं ये मस्कारा यूज करती हूँ, ये लेके जाती हूँ मैं। उसके अलावा ये डियो है जो कि मेरे बैग ही में रहता है, क्योंकि मैं घर से लगाना भूल जाती हूँ, और जब मुझे याद आता है कहीं बैग निकाल कर जाते वक्त, तो फिर मुझे याद आ जाता है कि अरे ये भी तो लगा दियो, फिर मैं ये यूज करती हूँ। इसलिए ये मेरे बैग में रहता है, क्योंकि जब ये बैग में रहता है तब मुझे लगाना याद रहता है। अगर मैं इसे अपने ड्रेसिंग में रख दूँ तो ये मुझे लगाना बिल्कुल भी याद नहीं रहता, इसलिए ये मेरे पास काफी टाइम से पड़ा और ये खत्म नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैं मेकअप में एक कंसीलर अपने साथ हमेशा रखती हूँ, और एक ये लिपस्टिक है। इसके अलावा एक ये आईब्रो पेंसिल है, जो कि मेरे आईब्रो थोड़ी सी थिन है, तो ये मैं जरूर अपने साथ रखती हूँ आईब्रो पेंसिल। और एक ये नेल पेंट, जो कि मुझे कभी याद नहीं रहता लगाना, इसलिए पड़ा होता है बैग में तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये लैक्मे का नेल पेंट है, ये भी मुझे काफी पसंद है, ये मैं यूज करती हूँ जब भी मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो रास्ते वगैरह में भी लगा लेती हूँ। इसके अलावा ये एक छोटा सा मिरर है जो कि ट्रैवल में बहुत काम आता है, तो ये एक छोटा सा मिरर है, ये मेरे को, ये भी मेरे बैग ही में रहता है। उसके अलावा है ये एक सैनिटरी पैड, जो कि काफी यूज में आता है, जो मैं एक्स्ट्रा हमेशा बैग में रखती हूँ कि कभी अगेन में कभी भी जरूरत पड़ सकती है ऐसी चीजों की, ये एक मेरे बैग में हमेशा रहता है। तो ये है मेरे इस बैग में, ये सब रहता है। इसके अलावा मैं जैसे बेबी के साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ तो इसके आजकल मैं दो डायपर्स तो हमेशा अपने बैग के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि मैं अगर लोकल में भी कहीं जा रही हूँ 2-3 घंटे के लिए, तब भी मैं एक्स्ट्रा डायपर रखती हूँ कहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, कुछ भी पॉटी वगैरह कर सकता है, इसलिए दो डायपर मैं हमेशा इसके अपने बैग में जरूर रखती हूँ। इसके अलावा एक ये वाइप का पैकेट, ये भी बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बेबी के साथ साथ जितनी गर्मी पड़ रही है ना, तो ये मैं भी यूज कर लेती हूँ बाहर जाके फेस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, तो ये बेबी और मेरा दोनों का काम करता है। उसके अलावा एक ये बेबी का पाउडर है,
ये भी इसको ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैं ये बैग में रखती हूँ, छोटा है, बाहर के घर में बड़ा जो है वो मैं यूज करती हूँ। उसके अलावा अभी तो मेरे बैग में नहीं है, बट इसकी दूध की बोतल हो गई, इसकी पानी की बोतल हो गई, वो भी मेरे इस बैग में आ जाती है, वो छोटी छोटी है। उसके अलावा एक थर्मस है, छोटा थर्मस है, जो मैं बाहर जाने में इसका दूध वगैरह लेके जाती हूँ, तो वो भी बाहर है, अभी तो यूज किया हुआ था इसलिए बाहर ही है। उसके अलावा एक छोटी पानी की बॉटल है, जो कि मैं हमेशा बाहर जाती हूँ तो अपने लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि गर्मी जितनी पड़ रही है तो भाई पानी तो घर से लेके जाना ही चाहिए। उसके अलावा मेरे पास है एक छोटा बैग और है, तो ये है मेरा मेडिसिन बैग, क्योंकि अब मेरी थोड़ी सी मेडिसिन भी चलती है और बेबी की भी थोड़ी मेडिसिन होती है, तो वो सब है इसमें। इसमें ये ऐसे ये मेरा थोड़ा सा मेरे को लेनी होती है डेली ये दोनों टैबलेट्स, तो मैं एक्स्ट्रा जो है अपने बैग में रख लेती हूँ, बाकी पूरे साल लेनी है ये, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हो रखा है, तो मैं मेरे पास काफी सारा स्टॉक है मेडिसिन का, तो मैं एक जो है अपने बैग में रख लेती हूँ, ताकि मैं बाहर आऊँ जाऊँ तो मैं भूलूँ मैं मेडिसिन। उसके अलावा एक मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होता है, तो ये एक हेडेक के लिए ऑयल है, ये भी मैं कैरी करती हूँ कहीं भी आऊँ जाऊँ सफर में ना, तो इसको हल्का सा लगा लो इससे आराम हो जाता है, तो ये बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा ऑयल है, क्योंकि बहुत महंगा है और यहाँ का भी नहीं है, ये बाहर का है। और इसके अलावा एक नन्नू की विटामिन डी की वो है सिरप है, जो कि ये डेली लेती है, तो ये है मेडिसिन में। एक ये पाउडर है, जो कि मेरे स्टिचेस में मैं डेली इसको डस्ट करती हूँ, इसलिए ये भी मैं अपने साथ रखती हूँ बाहर आने जाने में। इसके अलावा जब भी मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ ना, जैसे ऑटो वगैरह में या किसी भी चीज रखे में, तो जो वो वापसी में खुले चिल्लर दे देते हैं ना, तो वो भी मैं इसी बैग में डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हो इसमें इतने सारे मेरे चिल्लर पड़े हुए हैं, तो मतलब मैं गिनूंगी ना तो ये 100-200 से ऊपर ही निकलेंगे चिल्लर, इतने सारे इकट्ठे हो गए, ये बैग भी इसके लिए इतना भारी हो गया, तो ये भी मैं निकाल के रखूंगी, अभी टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीजों के लिए। तो बस ये था अभी मेरे बैग में, तो ये सारा सामान मेरे इस बैग के अंदर आ जाता है, और इसके अलावा भी आ जाता है, पानी की 2-3 बॉटल्स आ जाती हैं, तो ये बैग बहुत सही है यार, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो सही है बिल्कुल, और बाहर आने जाने के लिए। तो अब कैसा लगा आपको मेरा अच्छा वीडियो जरूर बताइए। तो आप तो मुझे लगता है मेरी वीडियो में ना नन्नू की बहुत ज्यादा आवाज आ रही होगी, क्योंकि ये यहीं पे पास में खेल रही है, तो ये मेरी वीडियो में पीछे से बोली जा रही थी है ना नन्नू, ये बहुत ही बात करती है आजकल, बहुत बातें करती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी व्हाट्स इन माय बैग वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये सब तो था मेरी जरूरत का सामान, जो कि मैं बाहर ले जाना बिल्कुल नहीं भूलती। इसके अलावा आप लोग अपने बैग में क्या क्या कैरी करते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में आके। सो एक चीज होती है ना सबकी फेवरेट, जिसके बगैर वो बाहर नहीं निकल सकता, तो मेरी फेवरेट मैं आपको वो बताना भूल गई कि मेरी वो फेवरेट क्या चीज है जिसके बगैर मैं बाहर नहीं निकलती। तो ऐसी कोई बहुत वैसी चीज नहीं है कि उसके बगैर मैं रह नहीं सकती, बट हाँ मेरा ये मॉइस्चराइजर है, अगर मैं थोड़ी ज्यादा देर के लिए बाहर जा रही हूँ तो मैं मॉइस्चराइजर जरूर अपने साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई है ना कि अगर मैं मॉइस्चराइजर ना लगाऊं तो थोड़ी दिन में देर में ही मेरे फेस पे अगर मैं वॉश वगैरह कर लूँ तो मेरा फेस क्रैक होने लगता है, इसलिए मुझे मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। और नन्नू की इम्पोर्टेंट चीज भी बता देती हूँ कि ये इसके बगैर बाहर नहीं जा सकती, वो है इसके डायपर, क्योंकि अगर इसने एक डायपर खराब कर दिया तो ये परेशान हो जाएगी, इसलिए ये भी बिना डायपर के बाहर नहीं जा सकती, ये इसकी चीज है। आप भी जरूर बताइएगा कि आपकी वो क्या चीज है जिसके बगैर आप लोग बाहर नहीं जा सकते। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।